मीठे बाबा का धन्यवाद करते हुए हम अपने कोण के सामने उपस्थित करते हैं। हमें ये समझ है कि आज ये जीवन जैसा भी है, इसकी ऊंचाई, इसकी श्रेष्ठता, वो सब कल्याणकारी शिव परमात्मा की वजह से है। उनकी श्रीमत ने हमें कदम कदम पर सहारा दिया, रक्षा की और रास्ता दिखाया। हमारा हर एक संकल्प बाबा ने शुद्ध बनाया। कितनी भी सुंदरता हमारे आसपास क्यों न हो, लेकिन उसमें निखार आता है लाइट से। अब इतना श्रृंगार किया हुआ है और सूरज न हो, अंधेरा हो, तो क्या हमारे चेहरों पर चमक आएगी कि अरे वाह श्रृंगार कितना अच्छा है? तो सुंदरता पहले या प्रकाश पहले? परमात्मा की महिमा में पहले क्या है, सुंदरता पहले या लाइट पहले? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यता अर्थात अविनाशी, सदा काल का। तो वो प्रकाश है ओरिजिनल, जिसको हम कहते हैं, जिससे ही सब कुछ शुरू हुआ और जिसमें ही सब कुछ समा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े भाग्यों में तन का भाग्य, धन का भाग्य, स्वास्थ्य का भाग्य, लेकिन आखिरन कर ये पास हो जाता है, खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, करप्ट हो जाता है। लेकिन एक भाग्य कर पाने का भाग्य
उसका होता है जो दिल से उसको खोज रहे थे, चाह रहे थे, जिन्हें उसके सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए था, वो उनके सामने आके प्रत्यक्ष हो गया। तो जितनी भी सभा यहाँ पर बैठी है सामने, लगभग जहाँ तक मुझे पहचान है चेहरों की, ये सब वो आत्माएं हैं जिन्होंने प्रभु मिलन का सुख लिया है और सुख ले रहे हैं और उसके आधार पर ही अपना जीवन बना रहे हैं। तुम क्यों प्रभु मिलन का भाग्य सर्वश्रेष्ठ है, क्या हो जाता है उससे, क्या परिवर्तन हो जाता है? हमने हजारों लोगों की बायोग्राफीज सुनी होगी, पढ़ी होगी, लाखों लोगों को देखा होगा किसी ना किसी तरीके से। हर एक के जीवन में स्वयं का व्यक्तित्व ठीक बात है, जरूरी है, लेकिन संघ का क्या रोल होता है वो संगम युग दिखाता है। जो पीछे माताएं बैठी हैं उनमें से दो तीन को तो मैं जानती हूँ क्योंकि बहुत पुरानी है, बिल्कुल अपने लिए जीवन जीने वाले साधारण, ऐसी कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं, लेकिन जब वो परमात्मा के संग आए, जब सत्य का संग उनको मिला, तो उनके अपने जीवन से प्रेरणा पाके हम जैसे लोग, हम जैसी आत्माएं इस ज्ञान के पथ पर चले। और अगर ये ना होते तो हम ना होते, और थे कौन ये, बिल्कुल साधारण माताएं। तो संग तभी फलता है जब उसके अंदर में सत्यता की शक्ति हो। तो मेरे जीवन के अंदर 45 साल पहले जब ये रियलाइजेशन आई कि शब्दों की शक्ति एक तरफ, विचारों की शक्ति एक तरफ, बौद्धिकता एक तरफ, लेकिन शांति की शक्ति एक तरफ। शांति अर्थात जब आपको अपने होने का इतना नशा नहीं जितना आप दूसरों के जीवन को महत्व देना सीख जाते हैं, ये है शांति। मुझे मिलना चाहिए, मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी शान होनी चाहिए, ये है शांति। अहंकार बहुत शोर मचाता है, बैठने भी नहीं देता, सोने भी नहीं देता। अपने सामने थाली होगी लेकिन अहंकार वाले की नज़र दूसरी की थाली पर होगी, लगता है लोग हैं लेकिन होता अहंकार है। और शांति, शांति मना, मैं आत्मा हूँ, परमपिता की संतान हूँ और सब आत्माएं उसी के बच्चे हैं। तो मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ किस लिए हूँ फिर? इतने सारे सब आत्माएं, हम किस लिए हैं? तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम का बीज, आनंद का बीज, पवित्रता का बीज आत्मा यहाँ पर आई है देने के लिए। बीज अगर शेल्फ में होता है, बीज कभी ये कहता है कि मुझे पानी पिलाओ, हेलो, नॉक करता है क्या अलमारी को कि मुझे धूप खिलाओ? नहीं, जब हमें बीज से गाजर चाहिए, टमाटर चाहिए, तो हम बीज को उठा करके धरती खिलाते, मतलब धरती में डालते, पानी पिलाते। तो ये पांच चीज़ें बीज स्वीकार करता है। तो ये पांच तत्वों का शरीर भी हमने स्वीकार किया, धारण किया, एडॉप्ट किया, किस लिए? तो बीज ने पांच तत्व लिए गाजर देने के लिए, टमाटर देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो गाजर का बीज था। और हम किस चीज़ के बीज हैं? शांति के बीज, प्रेम के बीज, आनंद के बीज। तो हमने ये किस लिए लिया पांच तत्वों का शरीर? क्या देने के लिए? शांति, प्रेम, आनंद। और वो देने का रास्ता कौन सा है? ये पांच कर्म इंद्रियां। तो हम सब परमात्मा की संतान, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, जिसको ही गायन करते हैं भगवान भगवती, देवी देवता मना देने वाले,
ये है लेफ्ता और ये है देवता। तो बिगिनिंग ये थी, मतलब हम बीच है, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं यहाँ किस लिए आई? मैं देने के लिए आई। और जिसके साथ भी हमारा मिलन, तो दृष्टि से मिलन बना देना। लेकिन ये नियम है कि धीरे 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 देते 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 हम अपनी एनर्जी खो बैठते हैं, कम हो जाती है, समय का चक्र फिरता है, तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद फिर और विकार जब आते तो हाथ बिल्कुल गिर जाता। तो उस समय हमें परमात्मा का जो संग मिला, तो भले ही अब हमारे शरीर पुराने हैं, प्रकृति बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, पीछे जो हमारे माताएं बैठी हैं 55 साल 50 साल, लेकिन उनके आत्मा की चमक, चेहरों की चमक, मुस्कुराहट। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले वो थोड़ा पीछे खड़े हो जाएं, जो सब दर्शन कर रहे हैं आपके, ये श्रृंगारी मूर्त माताएं बहने खड़े हो जाएं, कितने सुंदर हैं। हाँ, भले ताली नहीं बजाओ, दर्शन कर लीजिए, निहाल कर ले। तो ये पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम अभी प्रत्यक्ष हो चुका है, दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय समाज को इसकी जरूरत है। थैंक यू, बहुत सुंदर दृश्य है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। थैंक यू, बैठिए। तो लेकिन सिर्फ इस खुशी में लाने के लिए कि हाँ बच्चे, आप कभी देवता थे, आप कभी भरपूर थे, सिर्फ इसके लिए परमात्मा नहीं आया, वो हमें रिटर्न करने के लिए आया। जैसे हम थे वैसा फिर से हमें बनाने के लिए आया। तो इसके लिए उसको हमारा टीचर बनना पड़ा। तो परमात्मा को बाप के रूप से जानना माना भाग्यशाली बनना, परमात्मा को टीचर के रूप में जानना माना सौभाग्यशाली बनना। क्यों? क्योंकि परमात्मा से मिलने का भाग्य 100 गुना हो जाता है जब उसकी शिक्षा मिल जाती है। उसकी शिक्षा का नाम है श्रीमत् मुरली, ज्ञान मुरली। हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि जितना हमें मिलेगा उतना हमें प्रॉफिट होगा, किससे कितना मिलेगा उस आधार से ही हम सफल माने जाएंगे। लेकिन श्रीमत् ने हमको क्या सिखाया? श्रीमत् ने मंत्र दिया, देना ही लेना है। अब किसी भी अकाउंट बुक में, इकोनॉमी के शास्त्र में, इकोनॉमी के विद्यालय में ये मंत्र नहीं सिखाया जाता, देना ही लेना है। ये सिखाया जाता है देना ही लेना है। तो अब इस श्रीमत् को स्वीकार करना, सत्य मानना और अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको कहते हैं गॉडली स्टूडेंट। अगर मैं सुबह अपनी आंख खोलती हूँ और मुझे ये संकल्प है कि मुझे देना है, तो फिजिकल चीज के देने के बाद इतने नहीं, जितना वो खजाना जो मेरे अंदर है वो मुझे देना है। उसकी मार्केट खुली होनी चाहिए और वो बिल्कुल ओपन मार्केट यहाँ है। खुशी की स्माइल देनी है, बहुत दया से भरी दृष्टि देनी है, सहयोग का भाव देना है, वो कभी कम नहीं होता। और अगर मुझे रोज देना है तो मुझे सबसे पहले भगवान से उसको सुबह सुबह लेना होगा। बस ये मंत्र हमने उस ईश्वर से सीख लिया कि आपको जीवन में 2 काम करने हैं। सुबह सुबह उठो, अपने बुद्धि का खजाना भरो, चेक करो और फिर सारा दिन दो, और रात को मॉनिटरिंग करो कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, कहीं फिर से ब्लैक स्पॉट तो नहीं आ गया। क्योंकि
कुछ संकल्पों से हमारी ये खजाने की शक्ति कम होती है, उसी को कहते हैं विकार। गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसने हमें समझाया कि रात को चेक करो, कुछ भी हुआ लेकिन नेगेटिव आया, मेरा प्लान था ये, हो गया कुछ और। अगर गुस्सा आया मतलब आपको उसमें कुछ इच्छा थी, आप अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते थे, ये नहीं मैं चाहती थी अच्छा हो जाए लेकिन ये क्या हो गया, सब ऐसा हो गया, नहीं आप अच्छा नहीं करना चाहते थे, आपकी इच्छा थी इसलिए गुस्सा आया। गुस्सा आया मतलब जो भावना थी वो नेगेटिव थी या ऑर्डिनरी थी। तो जो फीलिंग्स और इमोशंस, उन दोनों का अंतर क्लियर किया कि आप चैतन्य सत्ता हो, कुछ तो होगा आपको अगर ऊपर नीचे प्लान से हो गया, लेकिन वो फीलिंग अपनी नेगेटिव इमोशंस तक नहीं ले जानी, इच्छा तक नहीं ले जानी। अच्छा बनने के लिए इच्छा भी नहीं करो, क्योंकि टू मच एंजाइटी किसी चीज की सफलता को पाने के लिए भी हमें टेंशन में ले आती है और हम गलत स्टेप ले लेते हैं। तो सुबह से ही अगर हम अपने को ये चेकिंग हमने सीखा परमात्मा से, हमने ये सीख लिया कि अगर हम यहाँ हैं तो सिर्फ कर्म 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 करना 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 उसके लिए नहीं है, हम जो अंदर एक खजाना है उसको देने के लिए, वो हम बिना कुछ बोले किए भी कर सकते हैं। रशिया के अंदर जब पहली बार जाना हुआ तो वहां का जो नारा था, वो वहां का नारा था वर्क इज गॉड, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना वर्क इज वर्शिप। तो भगवान वैसे कुछ है नहीं, लेकिन अगर है भी तो वो कर्म ही भगवान है, कुछ करते रहो तो मतलब ह्यूमन डूइंग, हम ह्यूमन बीइंग नहीं है लेकिन ह्यूमन डूइंग है, मशीन है। तो मशीन जब सामने होगी, जैसे ये दो टेबल है, अब ये टेबल को कह सकते हैं कि इनको ना देख के आपस में बड़ी खुशी हो रही है, तो ये जड़ है ये मशीन है, लेकिन जब हम भी 24 घंटा कर्म कॉन्शियस होते हैं तो हमारे भी भाव शून्य होकर के प्रेम के शांति के मशीन की तरह हो जाते, तो आत्माएं जो है सूखने लग जाती, और जो जहां भी सूखापन होगा आग लगेगी। तो आज से 35 साल पहले जब हमारा जाना हुआ, कुछ नाम ही नहीं था, साइकोलॉजिस्ट या कंसल्टेशन या मेंटल प्रॉब्लम टेंशन, लेकिन जब तक हम वहाँ सेवा कर रहे, भारत कितना बदल गया, जो वहाँ की प्रॉब्लम्स थी वो हमने अभी यहाँ देख रहे हैं। वहाँ हम एग्जांपल देते थे, अरे इंडिया में तो साइकोलॉजिस्ट है ही नहीं, इंडिया में तो कोई मेंटल कंसल्टेंट कुछ वहाँ जरूरत नहीं, परिवार ही सब कुछ ठीक कर लेता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है दादी माँ आती है ऐसा प्यार करती है, थोड़ी सी खर्ची दे देती है सब। ये हम इतना समय में एग्जाम्पल देते रहे, और फिर कुछ वर्षों के बाद जब यहाँ देखा तो दादी माँ को कहाँ चली गई, ओल्ड हाउस में भेज दिया, पोतियाँ गुम कहाँ चली गई, इंडिविजुअल फ्लैट में रहती है, माँ बाप गुम कहाँ चले गए, वो डिवोर्स हो गया, ये क्या हो गया मेरे भारत को। तो जिस भारत को, जिस भारत की ऊंचाई हम दिखाने के लिए विश्व में गए थे, जब वापस आए तो ये क्या हो गया भारत को। तो ये भी भगवान ने समझ दी कि भारत इंडिया नहीं है, ये दो प्रायवाची नहीं है, इंडिया जो है वो स्क्वीज्ड भारत है, सिकुड़ा हुआ भारत, भारत विश्व था जब पीसेस नहीं थे, जब विश्व में शांति थी, पीस थी,
उधम भारत, जब विश्व के पीसेस हैं तो इंडिया, अमेरिका, रशिया, कनाडा, अफ्रीका, ये सब कॉन्टिनेंट्स, तो अब इन पीसेस को, ये जो 200 पीसेस हैं, उनको फिर से भारत बनाना किसकी जिम्मेवारी है? जनरली हम कहते हैं, अगर माँ कहती है ये सारा आप बच्चों ने कमरा खराब कर दिया, ये अब इसको साफ करो, तो जनरली बच्चे दूसरे की शक्ल देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना, तूने किया तू कर, ऐसे करते हैं ना। तो अब हमारी जो ये उंगली थी ना, ऐसे थी, ये अमेरिका की वजह से सारी गड़बड़, ये रशिया की वजह से है, ये उसकी वजह से है, लेकिन ये तीन उंगलियां क्या कहती हैं? करके देखिए, शायद आपकी भी सेम भाषा बोलती है। हम उधर पॉइंट आउट कर रहे थे, ब्लेम गेम में लगे हुए थे, और ये उंगलियां हमें क्या दिखा रही थी कि ये तुम तीन गुना तुम जिम्मेवार हो। तो ये महसूसता की शक्ति उनको आएगी जिन्होंने ये रोल प्ले किया हुआ है, जिन्होंने ये शांति का सुख भोगा हुआ है, वो दूसरों के इंतजार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये हमारा अनुभव है। जब हमें महसूसता हो गई, अरे भगवान विश्व में शांति करने के लिए आए, भागो, उसके साथ लग जाओ, उसकी मदद करो, नहीं तो लेट हो जाएगा। किसी के साथ कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अल्टीमेटली ये लाइफ किसकी है? अल्टीमेटली मेरी है और भगवान की है। तो इसीलिए पीसेस से पीस करना ये एक मिशन है, और कोई भी मिशन को करने में एक ड्यूरेशन लगती है, एक अवधि लगती है, और मिशन को एंड तक पहुंचाने के लिए कोई संस्थान, संगठन की जरूरत होती है। एक, वैसे तो कहा जाता है वन मैन मिशन, लेकिन क्योंकि वो भारत, वो नई दुनिया, विश्व में शांति एक के लिए नहीं होगी, तो इसलिए अनेकों को इस मिशन को अपने जीवन में लाना होगा। तो ये मिशनरी कोई घर छोड़ने वाली मिशनरी नहीं है, हिमालय पर जाने वाली मिशनरी नहीं है, गुफा में बैठने वाली नहीं है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा के बच्चे बन करके सबके अंदर ये नेचुरल पॉजिटिविटी, नेचुरल प्योरिटी का इंस्टॉलेशन करना है, प्रोग्राम इंस्टॉल करना है। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम डाल देते हैं, ऐप डाल देते हैं, बस ये काम करना है, प्रोग्राम डाल दो। और वो प्रोग्राम कैसे डलता है? संघ से, संगठन से, परमात्मा की पढ़ाई के संग में आना पड़ता है, बस कुछ बातों को समझना पड़ता है। तो ये जो पीछे माताएं बैठी हैं, ये अभी एक घर की माता नहीं, चार बच्चों की, पति दो बच्चों की माता नहीं, लेकिन थोड़ी बड़ी माताएं हैं। बड़ी माताएं माना मोर देन माय होम, एक्सटेंडेड फैमिली, बियॉन्ड माय होम, एक्सटेंडेड फैमिली माना अशोक नगर की सेवा करने वाली, सिर्फ अपने घर की नहीं, ब्लॉक 7, ब्लॉक 2 ऐसे वाली नहीं, अशोक नगर को अशोक नगर बनाने वाली, नहीं तो अभी तो अशोक नगर ज्यादा है। 34 साल पहले मैं यहाँ से जब गई थी तो बिल्कुल दूसरा था, और हम जहाँ भी जाते थे उनका फोटो खींचते थे, एग्जाम्पल देते थे, वो इतनी तारें कन्फ्यूज होती थी, सारे घरों की तारें, अब तो यहाँ भी वही हाल हो गया है। तो मैंने कहा ये अशोक नगर शोक नगर बन गया, तो उसको फिर से अशोक नगर बनाने वाली ये जो टीम है, ये निमित बनी हुई सेवाधारी बड़ी बहनों के कनेक्शन से ये टीम एक एक घर में ये लाइट चला रही है। हम प्रयास करते हैं और
रिजल्ट दिखाई देता है। और जब हमारा मेरा जाना हुआ इसी संकल्प से परमात्मा के साथ, कोई लोग ये भी कहेंगे कि अरे आप तो कहते हो घर घर छोड़ना नहीं है, आपने क्यों छोड़ा? तो कन्या वैसे तो अपने घर से दूसरे घर जाती है कि नहीं जाती है? जाती है ना। तो सबसे बड़ा साथी जीवन का कौन है? जो जिसके साथ साथी बनो वो 20 साल के बाद मर जाए, 40 साल के बाद मर जाए, फिर रो बैठ के। तो सबसे बड़ा है जो परमानेंट है। तो उस परमात्मा के साथ जब हमने अपना जीवन जोड़ा और वो वहां पर लेकर के गया, तो वो लोग कहते थे अच्छा आपने इंडिया में अपनी समस्याएं हल कर ली जो रशिया को बचाने आ गए हो। हमने कहा अब हम ना वहां के ना यहाँ से, यहाँ वाले हमको विदेशी समझते हैं और यहाँ से तो हम सेवा करने चले गए। लेकिन परमात्मा ने मुझे अपने साथ रखा है, उसका कार्य है, मैं तो सिर्फ उसका हाथ हूं। तो एक बार एक जंगल में जब आग लगती है और जंगल सब पक्षियों पशुओं का प्रिय था, तो छोटी सी चिड़िया जिसको अपना जंगल बहुत प्यारा था, वो भागती भागती नदी के ऊपर में उड़ती उड़ती नदी से जाके चोंच में पानी भर के आके आग पे डालती है। एकदम से उड़ती जाती वापस आती। उसको देख के कुछ पशु हंसने लग गए, ये चिड़िया तुम क्या कर रही हो, आग लग गई है, मुझे बुझानी है, मेरे पास टाइम नहीं है। माता तो वो हंसते हैं, क्या तेरी एक बूंद से आग बुझ जाएगी? जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। फटाफट उसने आग की। तो उसकी इतनी मेहनत देख करके, उस समय जब देवता वॉकिंग के लिए निकले शाम को, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और बरसात हुई और वो आग बुझ गई। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी मेहनत जो एक आत्मा कर सकती है उसको उतना करना है, बाकी उसका वरदान काम करता है। तो जब गए थे तो ये ऐसी मुट्ठी होती है ना, मुट्ठी भर ज्ञान था, बीज, ईश्वरीय ज्ञान का बीज और एक सूटकेस। 20 किलो में हमें मधुबन से ये सब ड्रेस मिलती है, इसको हम कहते हैं 6 वक्के 7 वक्का। हाँ, बहनों की ड्रेस में 4-5 चीज़ें होती हैं ना, तो बस ये 7 वक्के थे। और क्योंकि सर्दी होती है तो माँ ने एक शॉल भी एक्स्ट्रा दे दी थी, और जो यज्ञ से मिली वो भी थी, और बस इतना बुद्धि में ज्ञान था। और इस शरीर को उस समय बहुत जल्दी सर्दी लग जाती थी, और भगवान ने कहा भेजा जहाँ -30 -20 मतलब रेफ्रिजरेटर, 45 मतलब जितने भी 35 साल वहाँ रहे एक बार भी जुकाम नहीं हुआ, एक बार भी। और यहाँ आए और सर्दी लग गई। तो मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, ये उसका वरदान कराएगा। और जैसे जैसे हम एक एक शहर में जाते रहे, ऐसी ऐसी सभाएं लगती रही और लोगों को साक्षात्कार होते रहे। उन्होंने कहा हमने आपको सपने में देखा था, हमें पता था आप आओगे, हमने इतनी देर क्यों कर दी, ऐसे साक्षात्कार हमें पता नहीं, तो ये कौन करा रहा है? परमात्मा का कार्य है। तो हम अपने जीवन को साधारण न समझें, एक का जीवन महत्वपूर्ण है, उसको बेकार नहीं करना है। शरीर के भोजन साधन बनाने में अगर ये चला गया तो भगवान का कंपेनियन बनने का भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो ये आज ऑनर जो हुआ ऐसे मुफ्त में नहीं हुआ, ये भगवान के लिए जीने वाले, भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने वाली माताओं के सम्मान में स्वयं परमात्मा ने आज
इनको इशारा दिया, तुम मेरे हो। तो हम बहुत खुश हैं। ये सिर्फ नज़ारा यहाँ नहीं देखते हैं, पूरे विश्व में ऐसी माताएं 140 देशों, रशिया, CIS एंड बाल्टिक कंट्रीज के भी 16 देशों में ऐसी माताएं हैं। अब ये तो एक आत्मा भारत से गई, एक और स्थान है जहाँ पर दूसरी दीदी हैं, वो भी दिल्ली से हैं, लेकिन बाकी 70 स्थानों पर ऐसी माताएं, ऐसी बहनें राजयोग सिखा दूसरों के जीवन को पवित्र सौभाग्य बनाना है, तो श्रीमत को, उसकी पढ़ाई को जीवन में लाना है। किस एक के द्वारा भगवान क्या कराए उसको खुद भी पता नहीं है। जब वहाँ पर शिव बाबा का कोर्स कराया गया राजयोग का, और पहली पहली मुरली सुनाई गई, तो 600 के लगभग जो सभा थी वो मुरली सुन रही थी पहले पहले 2 मास में। तो उस समय ईश्वरीय महावाक्य के अंदर आया कि बच्चे, ये तो पवित्र बनाने की सेवा है, तो आप जाओ, मेयर के पास जाओ, उनको बोलो हमें स्थान चाहिए, हम आपके राज्य को सुंदर बनाएंगे, ऐसा महावाक्य आए। तो 2 मास विदेश में, कम्युनिस्ट कंट्री में, जहाँ भगवान को मानते भी नहीं, उन्होंने जब कोर्स किया, निश्चय किया कि ये भगवान की वाणी है, तो जैसे ही उसने सुना, वो यहाँ से उठ के सीधा मेयर के पास चले गई। माता, अभी तो आधा बोला है, अभी सुनो पूरा। अब वो चली गई मेयर के पास, वो बोलती है भारत से हमारी दीदी आई है, उसको जगह चाहिए, क्योंकि वो सबको सबको पवित्र बनाने आई है, हमको जगह चाहिए। वो तो उसको देखता ही रह गया, क्योंकि ये बातें पहले तो कभी वहाँ हुई नहीं। तो फिर उसने उसको रेफर किया कि आप किस एरिया से आए हो, उसने एरिया का नाम बताया कि वहाँ एरिया के हेड के पास जाओ, ये वो काम करेगा। फिर उसी समय एरिया के हेड के पास आई, हमारी भारत से राजयोगिनी दीदी आई है, उसको जगह चाहिए राजयोग सिखाने के लिए। फिर उसने कहा, उसको देखा ऊपर से नीचे तक, फिर उसको कहा अच्छा ये लेटर ले जाओ, उनको कह दो यहाँ आके मिलने। तो मेरे से पहले कृष्णा कॉन्शियस वालों का कोई गुरु जेल में पड़ा था, क्यों? क्योंकि वहाँ जो भी भगवान का नाम लेता सीधा जेल में। तो मुझे लगा इसने तो, माता ने मुझे फंसा दिया। क्या मुसीबत थी तुमको, जो जितना है स्थान किराए पर भी हो जाएगा क्या? लेकिन ज़्यादा नहीं सोचा, बस ये आया कि अभी नेक्स्ट मैं हूँ शायद वहाँ जाने के लिए। तो जैसे ही एरिया हेड से मिलने के लिए गए, वो उनके सारे मीटिंग रूम में सब डायरी पेन लेके बैठे थे। अच्छा बताइए आपको क्या क्या चाहिए, बताइए नंबर 1। लेकिन ये क्या दृश्य है? तो फिर उन्होंने जब सुनी बात हमारी, तो उस समय सोवियत यूनियन टूट रहा था, तो उन्होंने कहा अभी हम बिल्डिंग तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास ज़मीन है जिस एरिया में आप हैं ना, 1 एकड़ ज़मीन है। उसी समय 2 मास पहली मुरली, पहले बाबा की सजेशन, और वो माता उठ के चली गई और 1 एकड़ ज़मीन मिल गई। उसी पर अभी बाबा का घर है, उसी ज़मीन पर। समझ सकते हैं कौन कराने वाला है इसको? ना किसी का पता, ना किसी से जान पहचान, अभी अभी आए हैं। तो लाया कौन? तो मैं छोटी सी चिड़िया हूँ, मैं सिर्फ एक बूंद कर सकती हूँ, लेकिन सागर वो है। तो ये निश्चय करने वाले ज़रूर सफलता को पाते हैं। तो श्रीमत के अंदर में मनमत, परमत, इन 3 के कंट्रास्ट में एक गारंटी है। मनमत मना जो मेरा माइंड है, मेरी फीलिंग्स है। आप अभी अभी चेक करके देखिए, अभी अभी कोई भी जो संकल्प आता है, किसी भी व्यक्ति को आप देखते हैं, क्या आप उसको बिल्कुल ओरिजिनल फीलिंग से देख सकते हैं?
जिस व्यक्ति के साथ आप 20 साल से रहते हैं, 10 साल से रहते हैं, काम करते हैं, ओरिजिनल फीलिंग, ओरिजिनल फीलिंग माना पीसफुल, प्योर, आनंद से भरी हुई, खुशी से भरी हुई, नहीं प्रेजुडाइज्ड माइंड है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर में प्रभाव पड़ा हुआ है। इसने मेरे साथ 2 मास पहले ऐसे बातचीत की थी, इसने 10 साल पहले अच्छा बिहेव नहीं किया हुआ था। तो हमारे मन की तो ये हालत है, तो हमारा मन हमें कैसे गाइड कर सकता है, कैसे वो हमारी कॉम्पस बन सकता है, कैसे वो हमारा नेविगेटर बन सकता है, क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। कितना भी अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो, लेकिन उसने हमारे साथ अगर अच्छा नहीं किया तो उसका इन्फ्लुएंस माइंड पर बहुत लंबा चलता है। तो मन मत बड़ी खतरनाक चीज़ है। मेरी फीलिंग्स, आई नो, मैं जानती हूँ ना, इस क्या है, बहुत खतरनाक है, दुखी करती है। फिर परमत, परमत माना दूसरे क्या कहते हैं। अब दूसरे में सब आ जाते, मामा, काका, चाचा, चाची, नाना, नानी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब। अब जब परमात्मा ने पवित्रता की शिक्षा दी, अब भारत में तो वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति के बचे खुचे कुछ ना कुछ है, यहाँ पर समझते हैं ब्रह्मचर्य, अर्थात जीवन में वो आचरण जिससे आप सबको स्नेह देख सको, एक सिर्फ भौतिक कर्मेंद्रियों के आनंद के पीछे ना भागो, लेकिन इन कर्मेंद्रियों के द्वारा सबके स्नेही बनो, ये है ब्रह्मचर्य। क्योंकि जब आप एक के साथ भौतिक या कर्मेंद्रिय भोग में लगते हैं, आप सबसे दूर हो जाते हैं, आप कभी सच्चा स्नेह कर ही नहीं सकते, आपकी कैपेसिटी डिफेक्टिव हो जाती है, पोटेंशियल खत्म हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। तो भगवान एक का है या सबका है, तो वो कौन सा प्रेम है, वो काम का सागर नहीं है, प्रेम का सागर है। तो हम कई बार जिसको स्नेह कहते हैं, वो वास्तव में स्नेह का डिस्टॉर्टेड रूप है, विकृत रूप है, काम है, लोभ है, मोह है। तो जब ये वाली शिक्षा परमात्मा की वहाँ पर मिलनी शुरू हुई, तो डॉक्टर्स कितनी बड़ी बड़ी थी। अब हमारे पास आने वाले स्टूडेंट्स, जब थोड़ा सा भी उनको पेट में दर्द हो जाए, टांग में दर्द हो जाए, वो डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर एक ही सुर में कहते थे, अच्छा तुम राजयोग सीखने चले गए, इंडिया की फिलॉसफी सीख रहे हो, अच्छा ये तुम नहीं ब्रह्मचर्य का व्रत पाल, बस 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 बस, तुम अब तो बीमार रहोगे ही रहोगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ये जो भोग है ह्यूमन नेचर है। तो ये है परमत, मानव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम देवता थे, पवित्र थे, ये हमारा जीवन था। पवित्रता भारत का मूल्य, इंडिया का मूल्य नहीं है, उस आदि सनातन संस्कृति का मूल्य है जिसको इंडिया ने थोड़ा बहुत बचा के रखा है। वास्तव में ये सार्वभौमिक शक्ति है, पवित्रता की शक्ति। पवित्रता के जाने से ही जो एक खंड था पूरा विश्व, पेंजिया जिसको बोलते थे, फिर वो 5 कॉन्टिनेंट में बट गया। ये तो बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि ये सारा ज्ञान है। लेकिन परमत, परमत माना हम जीवन में जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, सब लोग राय बहादुर बन जाते हैं, हाय तू ना चली गई ना ब्रह्मा कुमारियों के पास, अब तो इसलिए अभी तेरे क्या इंश्योरेंस तो तेरी है नहीं, तू बीमार हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे तेरे को, और उधर से तू विदेश में बैठ गई। ये क्या है? परमत, मनमत भी परेशान करेगी, बड़ी खतरनाक है। परमत बड़ा भटकाएगी, बहुत भटकाएगी, लेकिन श्रीमत बिल्कुल, ये करो तो ये मिलेगा। तो मैं किसको पकड़ू, किसको पकड़ू, मनमत इधर, परमत इधर, मैं किसको पकड़ू? जो मेरा है मैं उसको पकड़ूंगी ना, तो वो मेरा अविनाशी पिता है, उसको पकड़ने से आज
34 साल के अंदर जहाँ जाते हैं, अभी बोला जैसे 70 सेवा केंद्र तो है पूरे रशिया में, हमारे साथ भी 30 बहने हैं वहाँ की लोग, लेकिन एक एक संकल्प, एक शब्द कहने से ही फौरन सब हाजिर हो जाते हैं। क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या, क्या हो गया क्या, अब ये मेरा परिवार है या वो मेरा परिवार है, तो पूरा विश्व ही मेरा परिवार हो गया, क्योंकि विश्व का पिता मेरा विश्व पति बन गया, तो पति विश्व का पिता है, तो विश्व का परिवार मेरा परिवार हो गया। तो इस छोटे से जीवन में अगर वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब है, उसका नज़ारा देखने को मिलता है, वो आपके जीवन में भाग्य बन गया, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ बाबा, वहाँ वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ और वहाँ हमारी बहनें, दादियाँ, दीदियाँ, जिन्होंने हमारे सामने सैंपल बन करके हमारा रास्ता हमेशा आसान रखा। ओम शांति। तो अपने मन को कुछ समय के लिए बहुत ही प्यार से आत्मिक स्मृति में टिका कर, इस शरीर के मालिक बनकर, शरीर को आराम से आसन देकर, मैं आत्मा परमात्मा की स्मृति में उसके संग में कुछ क्षण बिताऊंगी। कर्मेंद्रियों से मिलने वाला सुख मन को भासता है, परंतु है तो वो विनाशी, लेकिन अविनाशी पिता के संग का सुख न्यारा है। ये पवित्र वातावरण और उनके करुणा की किरणें मुझ आत्मा को शक्ति से भर रही है। हे कल्याणकारी पिता, दया के सागर, आपने कदम कदम पर अपने बच्चों को क्षमा की है, रक्षा की है और शिक्षा भी दी है। आप ही सत्य हैं, सुंदर हैं, कल्याणकारी है मीठे बाबा। ये पूरा विश्व जो कभी देवभूमि था, आज दुखधाम बन गया है, लेकिन आप पवित्रता का दान देकर फिर से इसे सुखधाम बना रहे हैं। पूरे भारत को शिवालय बना रहे हैं, जब अलग से किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन घर घर मंदिर होगा, हर नर नारी चैतन्य देवी देवता के रूप में विचरण करेंगे। भारत फिर से स्वर्ग भूमि बनेगा मीठे बाबा, उसी के लिए आप रोज हम बच्चों को अपनी उपस्थिति से दिव्यता प्रदान कर रहे हैं। सुख का अनुभव करके अब मैं अपने सभी कर्मों में और बोल में इसी अनुभव को सबके साथ शेयर करती रहूंगी।